एडिशन रिएक्शन में भी पहला आएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा आएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और तीसरा फिर आएगा फ्री रेडिकल एडिशन। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल समझते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आता है कि CH3COOH ये एल्डिहाइड है। अगर आप इसकी रिएक्शन HCN से करें H+CN- तो H प्लस इसमें इलेक्ट्रोफाइल है, CN माइनस इसमें न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल जब फर्स्ट स्टेप में अटैक करता है तो उस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उसका नाम बनता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन HCN से है तो ये बनेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल। सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्डेड डिस्प्लेस फ्रॉम कार्बन टू एडिंग ग्रुप, कार्बन से एडिंग ग्रुप के साइड डिस्प्लेस हुए, इफेक्ट का नाम होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है ये, टेम्पररी है, रिएक्शन के टाइम होता है ओनली। ये ट्रांसफर हुआ, ऑक्सीजन क्या हो गई नेगेटिव, कार्बन गेट्स स्लाइटली पॉजिटिव। वैसे भी ये कंपाउंड पोलर नेचर का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल है इसमें। ये साइनाइड न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा और ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन करेगा CH3CH। ये O, ये साइनाइड आया, ये अटैक कर दिया न्यूक्लियोफाइल। जैसे न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड कंप्लीट ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन गेट्स मोर नेगेटिव। अब सेकंड स्टेप आएगी, ये कौन सी स्टेप थी, फर्स्ट स्टेप। अब आई सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा आपको पता है, CH3COH ये यहाँ आया इलेक्ट्रोफाइल, सब अपनी अपनी जगह है, न्यूक्लियोफाइल अपनी जगह है ठीक। अगर अब आप इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करें तो साइनाइड ग्रुप एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, क्या फॉर्मेशन कर देगा, CH3CH OH और यहाँ आ जाएगा C2H। तो आपको पता है इसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड। 50% इसमें डी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, 50% इसमें एल लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब ये कौन है, ये रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, क्यों कि इसके पास क्रिएलिटी सेंटर बैठा हुआ है, लैक्टिक एसिड पर चुके हुआ CH3H2OH। तो यहाँ पर रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, 50% डी 50% एल का प्रोडक्ट है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है, न्यूक्लियोफाइल ने फर्स्ट स्टेप में अटैक किया इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मल्टीपल बॉन्डिंग कंपाउंड में एडिशन से रिएक्शन होगी, नोट करिए साहब फटाफट। यस गुड मॉर्निंग, नोट करिए तेजी से।
चलिए जब नोट कर लें तो यस और नो लिखिए। चलिए आर्यन पाटिल ने नोट कर लिया। और बोलिए भाई। सृष्टि नोट कर लिया। प्रणव प्रथमेश, चलिए सबने नोट कर लिया। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा तो पहले रिएक्शन समझेंगे, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन दोनों एक ही रिएक्शन के एग्जांपल है, इसलिए पहले रिएक्शन लिखेंगे, एक की मैकेनिज्म लिखेंगे फिर दूसरे की मैकेनिज्म। CH डबल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है प्रोपिन, वन प्रोपिन। एसिमेट्रिक अल्कीन, कौन सी अल्कीन है ये? एसिमेट्रिक। इसमें HBr का एडिशन जब होगा HBr का जब एडिशन करते हैं तो ये एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का बनता है। मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल दोनों आएंगे। अब इस रिएक्शन को जब कंप्लीट करोगे तो पहले कौन अटैक करेगा? फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें H प्लस है। ये दोनों डबल बॉन्ड के कार्बन के बीच में जाकर के अटैच होगा। ये मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप कैसी होगी? स्लो, उसी में हम रेट डिटरमिनेशन करते हैं। और ये एच आया डबल बॉन्ड के दोनों साइड, ऐसे आ जाएगा। ये यहां डबल बॉन्ड वीक होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल दोनों के बीच में आ चुका है। अब इलेक्ट्रोफाइल ये डिसाइड करेगा कि उसको जाना किधर है, किधर शिफ्ट होना, इस कार्बन पर शिफ्ट होना या उस पर। जहां कंफर्ट फील करेगा स्टेबिलिटी वहां शिफ्ट होगा। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर जाएगा। हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन आया, जिस कार्बन पर शिफ्ट होगा उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी पैदा करेगा और वो कार्बन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से फिर से सुन लीजिए, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन आया, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये कार्बन पॉजिटिव होगा। ये देखिए CH3, CH, CH3, ये हाइड्रोजन इस पर शिफ्ट हुआ CH3, ये कार्बन कैसा हो गया? पॉजिटिव। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये कार्बो केटायन 2 डिग्री है, कार्बो केटायन 2 डिग्री। कार्बो केटायन क्या होता है समझ लीजिए, पॉजिटिव कार्बन का नाम होता है कार्बो केटायन। और जब पॉजिटिव कार्बन दो मिथाइल ग्रुप से सराउंडेड हो तो 2 डिग्री कार्बो केटायन, एक मिथाइल ग्रुप से अटैच हो तो 1 डिग्री, तीन कार्बन से अटैच हो सराउंडिंग में तो फिर 3 डिग्री कार्बो केटायन। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बो केटायन, इट मींस 3 डिग्री कार्बो केटायन, उससे लेस 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री कार्बो केटायन स्टेबल होता। मतलब यहां अगर हाइड्रोजन इधर आता, अगर हाइड्रोजन को आप इधर शिफ्ट करते तो ये कार्बन पॉजिटिव और ये 1 डिग्री कार्बो के टाइम में कन्वर्ट होता है, जो अनस्टेबल होता है। इसलिए यहाँ पॉसिबिलिटी किसकी थी? 2 डिग्री कार्बो के टाइम की, इसलिए हाइड्रोजन उधर से। क्लियर?
ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन पॉजिटिव है तो ब्रोमीन का सेकंड स्टेप में अटैक हो जाएगा। ये आ गया ब्रोमीन, इस कार्बन को अटैक करेगा और इसका फॉर्मेशन कर देगा 2-bromo-propane। इसका फॉर्मेशन हो गया 2-bromo-propane। यहां मार्कोनिक आपका रूल लगता है, मार्कोनिक आपका रूल है कि हेलो एसिड, हेलो एसिड है, हेलो एसिड का नेगेटिव एटम्स उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां मिनिमम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मतलब ये नेगेटिव एटम कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पर, डबल बॉन्ड पे। एसिमेट्रिक अल्किन के केस में मार्कोनिक रूल अप्लाई होता है, इन केस ऑफ एसिमेट्रिक अल्किन नेगेटिव एटम ऑफ हेलो एसिड अटैक ऑन कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये मार्कोनिक आपका रूल है। और अगर ऐसा ना हो तो एंटी मार्कोनिक खरास इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट, वो किसी परऑक्साइड की प्रेजेंसी में होगा। ये एग्जांपल किसका बना, मार्कोनिक आपका रूल, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है क्योंकि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इसलिए मार्कोनिक आपका रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। और एंटी मार्कोनिक फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जांपल बनेगा जो इसके बाद आएगा। पहले ये नोट कर लीजिए, इसी से कंपैरिजन करेंगे, नोट करिए। चलिए बोर्ड पर से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल नोट करें। हर एन पाटिल ने नोट कर लिया है, सृष्टि प्रणव ठीक, ओके। चलिए अब इस रिएक्शन को आपके पास लिखी रहेगी, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब मैं इसका अपोजिट एक्सप्लेन करूंगा जिसमें फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जाम बनेगा, एंटी मार्कोनिक एडिशन। ये नेगेटिव एटम अब इस कार्बन पर अटैक नहीं करेगा, टर्मिनल कार्बन यहाँ अटैक करेगा, 1-bromo-propane का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जाम्पल ना बन करके फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जाम्पल बनेगी, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल नहीं। ये देखिए C6H5CO2 ये बेंजाइल परऑक्साइड की प्रेजेंसी में ऐसा होता है। अब बेंजाइल परऑक्साइड होमोलिटिक क्लीवेज करेगा और होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू ही फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। अब होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू पहले ये खुद फ्री रेडिकल बनेगा, फिर HBr के मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा, मतलब इसको आप पोलर नेचर में कन्वर्ट नहीं होने देगा। ये C6H5CO2 ये dissociate हुआ, बन जाएगा C6H5CO, ये benzyl free radical है, benzyl free radical, ये benzyl free radical HBr के molecule पर अटैक करेगा।
इसको चाहिए एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन सहित अपनी तरफ लेगा और अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। C6H5CH ओरेंजलाइड स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएगा। बेंजाइल परऑक्साइड का काम खत्म, वो परऑक्साइड का रोल करता है, फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन करता है। ब्रोमीन का फ्री रेडिकल यहाँ पैदा हो गया, अब बेंजाइल फ्री रेडिकल का काम कर, अब ब्रोमीन स्टार्ट करेगी इस पर अटैक करेगी और वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगी जो स्टेबल होगा। देख CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल है और जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का आधार है वो फ्री रेडिकल का है। 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल, 2 डिग्री लेस देन 1 डिग्री, मतलब यहाँ 1 डिग्री और 2 डिग्री का फॉर्मेशन हो सकता, तो 2 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। तो ये ब्रोमीन इस टर्मिनल कार्बन को अटैक करेगा तब ये फ्री रेडिकल पैदा होगा, तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो इसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन जब होगा तो ये ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा, ये बना 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये CH2Br। और अगर ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस कार्बन को अटैक करेगा तो ये फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल होगा जो अनस्टेबल होता है। ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल हमेशा अनस्टेबल होता है और ये क्या चाहता है, स्टेबिलिटी। अभी स्टेप में जाएगा CH3CH, ये फ्री रेडिकल CH2Br, ये क्या चाहता है, ये स्टेबिलिटी चाहता है। HBr के सेकंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन होगा, ये हुआ, ये होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा, इसको फिफ्थ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को अपने साइड लेगा, तो लास्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा CH2Br, जिसका नाम है 1-bromopropane। और यहां से क्या पैदा हो जाएगा, फिर से ब्रोमीन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा जो इस स्टेप में आकर के फिर से अल्कीन के मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। तो यहां पर ये फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जांपल है, एनडी मार्कोनिकॉफ एडिशन, खरास इफेक्ट अलग अलग इसके नाम है, परऑक्साइड इफेक्ट भी इसका नाम है, नोट करिए। ये तीनों टाइप के एडिशन और उनकी मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन की। अब यहां से लास्ट टाइप की रिएक्शन में चलेंगे जिसका नाम है इलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए जब नोट कर ले तो यह साधना बोलिए, अगली कहानी सुनाते हैं।
चलिए भाई, नोट किया होगा, क्या प्रॉब्लम आ गई किसी को? बेंजाइल फ्री रेडिकल इस होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू और कैसे बढ़ेगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन चली जाएगी, ऑक्सीजन यहां से हट जाएगी, इसके और इसके बीच में बॉन्ड है, दोनों के बीच में, यहाँ ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगी, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और सेपरेट हो गया। होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू ही फ्री रेडिकल पैदा होगा, समझ में आ गई? अब इलिमिनेशन थर्ड टाइप की रिएक्शन है, उसकी स्टडी करते हैं। इलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है मॉलिक्यूल का डिसअपीयर, एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक रिएक्टेंट से गायब हो, और गायब होगा तो इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, नया प्रोडक्ट बन जाएगा। देखते क्या हो, ये CH3CH2Br, इसको आप पहचानते हो, ये 1 डिग्री एलाइड है। कौन सा डिग्री एलाइड है? 1 डिग्री। इसको जब आप अल्कोहलिक KOH ऐसा लिखा रहेगा, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक के मतलब अल्कोहल के साथ C2H5OH ऐसे लिख देगा, या एल के लिखेगा, अल्कोहलिक के एच, अल्कोहलिक के एच और एक्वस के एच के थ्रू रिएक्शन चेंज हो जाती है। अगर एक्वस के एच होगा तो ये ब्रोमीन यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा, ये OH ग्रुप इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। SN2 मैकेनिज्म में आपको समझा रखा, लेकिन अल्कोहलिक KOH होगा तो रिएक्शन इलिमिनेशन बनेगी। यहां पर न्यूक्लियोफाइल बदल जाएगा, पहले रिएक्शन में जब एक्वस KOH था, न्यूक्लियोफाइल कौन था? OH-, अब OH- न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा, कोई और न्यूक्लियोफाइल बनेगा और इसमें से इलिमिनेशन करेगा एटम या ग्रुप को। तो किस किस को इलिमिनेट करेगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन कहां से जाएगा? अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन से हेलोजन जाएगा और यहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अल्फा हेलो बीटा हाइड्रो इलिमिनेशन। और भी इसका नाम बना सकते हैं हम, हाइड्रोजन गया और हेलोजन गया तो इसको ऐसा बोल सकते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। इलिमिनेशन है हाइड्रोजन भी दिए, डिहाइड्रेट मीन्स डी का मतलब गायब होना, डिसअपीयर, तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन भी इसको बोलेंगे। अल्फा बीटा ये इलिमिनेशन के नाम से फेमस है, अल्फा कार्बन से हेलोजन जाता, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन इलिमिनेट होता है, और दोनों कार्बन के बीच क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड। एक ये इसका मेन प्रोडक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्कीन। एक
वन डिग्री का केस है तो पहले मैकेनिज्म में आते हैं। वन डिग्री सबसे फास्ट किसमें होगी? E2 मैकेनिज्म में। और E2 मैकेनिज्म का पूरा मतलब है, फुल फॉर्म है इलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, मतलब इसकी स्लो स्टेट में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गए। मैकेनिज्म को समझिए, मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहलिक बोला है, यही न्यूक्लियोफाइल बनेगा, इससे रिएक्ट होगा KOH से, यहां से क्या जाएगा H, यहां से क्या जाएगा OH, वाटर माइनस होगा, पोटेशियम इस पर अटैक करेगा, CH3CH2OK, इसका नाम होता है पोटेशियम इथोऑक्साइड। पोटेशियम इथोऑक्साइड में पोटेशियम पॉजिटिव है, C2H5O माइनस नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये ब्रेक होगा और किसका प्रोडक्शन कर देगा CH3CH2O नेगेटिव, और इसी का नाम न्यूक्लियोफाइल है। ये इस रिएक्शन मैकेनिज्म का न्यूक्लियोफाइल है। एक वर्ष के OH का अटैक करवाओगे तो फिर OH इसमें माइनस न्यूक्लियोफाइल बनता था जो सब्स्टिट्यूशन करके जाता था, जिसको हम बोलते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आज ये न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल इलिमिनेशन करेगा। क्यों? इसका कारण क्या है? अल्कोहल कैसा एसिड होता है? अल्कोहल वीकेस्ट एसिड है, बहुत वीक एसिड है, तो वीक एसिड का कंजुगेट बेस ये है, और वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या बनता है? स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस। ध्यान से समझिए बात को, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हुआ है, अल्कोहल खुद वीक एसिड होता है, और आयनिक इक्विलिब्रियम में आप स्टडी कर चुके हैं, वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गर होता है। बट स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस क्या करेगा? स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस ब्रॉस्टेडलरी के अकॉर्डिंग प्रोटॉन गेनर होता है, मतलब ये केवल प्रोटॉन गेन करना चाहता है, इसको अटैक करने से कोई लेना देना नहीं। आइए सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल, इसको क्या बना ले हम? C2H5O- बना ले, कलेक्ट करके लिख लिया। ये खुद क्या है? रिएजेंट। अब ये फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा तो E2 मैकेनिज्म की स्टडी का, ये CH3CHHBr, E2 मैकेनिज्म SN2 की कॉपी है 50%। ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो भी सामने नेगेटिव पार्ट अटैच है, ये आया, और एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेगा। ये कौन सी स्टेट? फर्स्ट स्टेट कैसी होती है? स्लो। नाम क्या रखते हो आप? रेट डिटरमिनेशन स्टेट। ये अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेज बनाएगा, ये बन गए ट्रांजिशन स्टेज, C2H5O CH CH CH3 ये Br-। अब यहाँ की स्टोरी बदल जाएगी, ये सब्स्टिट्यूशन करने आए ही नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, ये तो स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस है, वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस है, ये अपना प्रोटॉन लेने आया है, इसके अटैक करने से ब्रोमीन भाग जाएगी, इसके अटैक करने से ब्रोमीन यहां से भाग जाएगी, भागने के बाद ये यहां से एक प्रोटॉन को निकाल लेगा और क्या फॉर्मेशन कर लेगा? C2H5OH, और इसको किसमें बदल देगा? अल्किन में। मैकेनिज्म खत्म हो रहा है, नोट करिए पूरी कहानी स्टेप वाइज।
हो गया चलिए भाई, कौन किसको प्रॉब्लम आ रही? महक मोदी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सही है, नोट कर ले उसको। महक मोदी ने नोट कर लिया। बाकी स्टूडेंट बोलिए भाई, क्या किया? चलिए और बोलिए भाई, बाकी सब बच्चों ने नोट कर लिया? चलिए, रुचा ने नोट कर लिया, मतलब फिर क्या है? अगली रिएक्शन अब ध्यान से समझिए, मैकेनिज्म E2 के प्लेस पे क्या आएगी? E1, इलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। E2 का मतलब होता है इलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, जिसमें रिएक्टेंट रिएजेंट दोनों स्लो स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं। बट अगर E1 मैकेनिज्म होगी तो यहाँ टर्शियरी हैलाइड होगा, सारी कहानी यही होगी, लेकिन टर्शियरी हैलाइड से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा इलिमिनेशन रिएक्शन। वही डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है बट टर्शियरी हैलाइड का केस है। तो टर्शियरी हैलाइड में E2 मैकेनिज्म यूज नहीं होगी, CH3 Br, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है 3 डिग्री हैलाइड, और इसमें ये कार्बन चारों साइड से लार्जर मिथाइल अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है, सामने ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट बैठा हुआ है, इसलिए इस पर फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। और न्यूक्लियोफाइल कौन है वो आपको पता है, उसकी मैकेनिज्म डबल से नहीं लिखूंगा। तो पहले स्लो स्टेप में फर्स्ट स्टेप होगी ये
पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंसी में होती है, क्योंकि इसके पोलरिटी कैरेक्टर को ये इंक्रीज करता है पोलर सॉल्वेंट, और यहाँ से ब्रोमीन को विथ इलेक्ट्रॉन लूज करवा देता है। ये मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप होगी, मींस पहली स्टेप में ब्रोमीन को ये स्लो स्पीड में लूज करता है, डोनेट करता है, रिलीज कर देता है, और खुद किस में बदल जाता है, टर्शियरी कार्बो केटायन। ये पॉजिटिव हो गया 3 डिग्री कार्बो केटायन, मोर स्टेबल, तो ये 3 डिग्री कार्बो केटायन में कन्वर्ट हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन की कहानी क्या थी, sp3, तो इसकी कहानी क्या हो गई अब sp2। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये आया सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल था, आपको पता है कि वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट पे से प्रोटॉन गेन करने आया, यहां से यहां से यहां से कहीं से भी प्रोटॉन लेगा और चला जाएगा, और इसको किसमें बदल जाएगा, आइसो ब्यूटी। ये हो गया एलिमिनेशन। ये मैकेनिज्म कौन सी है, इवन एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि इसकी स्लो स्टेप में ओनली रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। ये दो स्टेप में कंप्लीट होती है। ये कौन सी स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या होती है, फास्ट होती है, जिसमें आप रेट डिटरमिनेशन नहीं कर सकते। नोट करिए कहानी को, फिर एक लास्ट एलिमिनेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसकी स्टडी करते हैं। चलिए भाई नोट कर लिया, सृष्टि यस डन। लास्ट आप समझेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, देखते हैं क्या होता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करते हो, यह भी एलिमिनेशन रिएक्शन है, जैसे
CH3CH2OH, बट ये किसके प्रेजेंस में होगी, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, टेम्परेचर फिक्स है डेफिनेट 170 पर। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, ध्यान से समझिए, ये H2SO4 प्रोटॉन को रिलीज करेगा, HSO4 माइनस में खुद कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोटॉन कहाँ जाएगा, ये मॉलिक्यूल गेन करेगा, CH3CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल इस प्रोटॉन को गेन करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2OH2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गई, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के यहाँ से वाटर के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी और इस कार्बन को बना जाएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव कार्बन का नाम कार्बोकेटायन, इथाइल ग्रुप है इसलिए इसका नाम है इथाइल कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और ये अनस्टेबल होता है, ये प्रोटॉन को रिलीज करेगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा, ये लूज कर दिया इसने प्रोटॉन, प्रोटॉन यहां से जाएगा और प्रोटॉन जाने के बाद ये स्टेबल अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इस रिएक्शन का प्रोटॉन। ये H प्लस कहाँ आएगा, वापस HSO4 के पास, HSO4 माइनस H प्लस, और वापस से क्या बना देगा, H2SO4, मतलब इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट कौन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, ये इसका मेन प्रोडक्ट, और इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये इलिमिनेशन रिएक्शन का सेकंड एग्जांपल, नोट करिए भाई। नोट करने के बाद